आप गूगल पे विश्वास करते हो, करते ही होंगे क्योंकि ये वीडियो आप उसी के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो। और मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे गूगल का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकेंगे, वो भी दिन के 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, वो भी मैं सिर्फ ये स्टार्टिंग की अर्निंग दिखा रहा हूँ। इससे बाद आप बहुत ज़्यादा अर्निंग को इंक्रीज भी कर सकते हो, और ये जो एक अर्निंग है वो एक पैसिव अर्निंग है, मतलब आपको एक बार जो है काम करके छोड़ देना है, उसके बाद खुद ब खुद पैसे जो है वो जनरेट होते रहेंगे। और सबसे बढ़िया बात तो ये है इस वीडियो की कि आप जो है इस वीडियो में जो भी काम बताया जा रहा है वो आप फ़ोन से भी कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है तो और भी बढ़िया है, पर फ़ोन से भी आपका काम आराम से हो जाएगा। पर आपको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसी सारी चीज़ें मतलब काम करती है। और ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप वीडियो के एंड होने तक आप आराम से पैसे कमाने का तरीका जो है वो जान लोगे, वो भी गूगल से। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो इस अर्निंग के तरीके के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप फ़ोन में कर रहे हो तो, और उस एप्लीकेशन का आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। गूगल का ही एप्लीकेशन है जिसका नाम है गूगल डॉक्स। आपको सिंपली से इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर साइन अप कर लेना है आपके ईमेल आईडी से। इस एप्लीकेशन की सबसे बढ़िया बात तो ये है, कोई भी स्पॉन्सर्ड ऐप नहीं है ये, सबसे बढ़िया बात ये है कि आप चाहे इसे फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी दूसरे के फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका उस फ़ोन में भी सेम ईमेल आईडी रहता है, लैपटॉप पीसी से सबसे एक्सेस कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको गूगल जो डॉक्स एप्लीकेशन है वो मैंने आपको सजेस्ट किया। और अगर आप पीसी या फिर लैपटॉप से करने वाले हैं तो जो मैं प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही रहेगी वही सेम प्रोसेस आपको गूगल डॉक्स जो है ओपन करने के लिए आपको फॉलो करनी है। उसके बाद ये जो गूगल डॉक्स आप जैसे ही ओपन करते हो, आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ लिखना है। अब क्या लिखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको एक बढ़िया सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। अब आपको किसके ऊपर टॉपिक सिलेक्ट करना है, वो रहेगा हेल्थ के ऊपर। अब आप सोचोगे कि मैं हेल्थ के ऊपर क्यों बोल रहा हूँ टॉपिक लिखने के लिए, क्योंकि जो है हेल्थ एक अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी आपको पता चल जाएगा कि कोरोना जो है उसके जाने के बाद लोगों को हेल्थ की इंपॉर्टेंस अब समझ में आ चुकी है, इसीलिए जो हेल्थ जो है वो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। लोगों को हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आने के बाद लोग अपनी हेल्थ को कैसे अच्छे से रखें वो ज़्यादा सर्च करते हैं लोग गूगल पे, और उस पर पैसे भी खर्च करते हैं। फिर आप भी उस चीज़ से पैसे कमा सकोगे। तो जैसे ही आप जाके जो है आप एक टॉपिक अच्छा सेलेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए जिसका नाम रहेगा हाउ टू बी हेल्दी। उसके हेल्प से जो है आप ज़्यादातर ट्रैफिक जो है अपने जो है गूगल डॉक्स के पेज पे गेन कर पाओगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो सबसे ऊपर टॉपिक लिखना है आपके गूगल डॉक्स के पेज के ऊपर। फिर मैंने आपको बोला था कॉपी पेस्ट वर्क है, जी हाँ बिल्कुल वैसा ही है। फिर आपको सेम चीज़ गूगल पे भी जाके सर्च करनी है कि हाउ टू बी हेल्दी। जैसे आप वो सर्च करते हो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे। आपको पहली वेबसाइट अगर पसंद आती है तो उस पर क्लिक कर लेना है, या फिर अगर आप और भी इंटरेस्टेड हो और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो दूसरी तीसरी वेबसाइट पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपने जैसे उस वेबसाइट पे क्लिक किया उसके बाद जो भी सारा मटेरियल आपको अच्छा लगता है वो सिंपली से आपको कॉपी कर लेना है, और उसके बाद वही सेम कॉपी किया हुआ चीज़ आपको जो है आपके गूगल डॉक्स पे जाके पेस्ट करना है। सेम प्रोसेस आपको मोबाइल में भी फॉलो करनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। मैं ये चीज़ पीसी पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी स्क्रीन रहेगी तो लोगों को अच्छा दिख सकेगा कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपको जो एरर्स रहेंगे छोटे मोटे वो आपको रिमूव कर देने हैं, मतलब आपका जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो अच्छा दिखना चाहिए, जो भी लोग पढ़ने आएंगे या फिर जो भी लोग देखेंगे उन्हें अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तभी तो आप पैसे कमा पाएंगे। तो आपको छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर आप टाइटल लिख रहे हो तो वो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए बाकी के जो भी आपने लिखा है उससे, सब टाइटल टाइटल से थोड़ा छोटा लिखना है आपको। उसके बाद इमेजेस आप डाल सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव दिखने के लिए। सारी चीज़ें आपको गूगल पे ही मिल जाएंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहली वेबसाइट पे क्लिक करो, सारी चीज़ें कॉपी करो और इसमें आके पेस्ट कर दो, और थोड़ा अरेंज कर लेना, मतलब जो इमेज है उसके नीचे ही सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी। सारा अरेंज करने के बाद अब बढ़ते हैं मेन स्टेप की तरफ। तो सारी चीज़ें होने के बाद आपको एक नीचे एक लाइन इंक्लूड करनी है, आपको लिखना है फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हियर, या फिर मैं आपको एक लाइन मैंने ऐसे ही सजेस्ट कर दी एग्जांपल के लिए, आप कोई और भी लाइन लिख सकते हो या फिर उसके आगे क्लिक हियर आपको लिखना ज़रूरी है। अब क्लिक हियर में आप एक ऐसे लिंक को पेस्ट करोगे जो आपको पैसे कमाने के लिए हेल्प करेगी। यहाँ पे आप लोग पेस्ट करोगे एक हेल्थ के रिलेटेड ही एफिलिएट प्रोडक्ट जिसका आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे और पैसे जनरेट कर पाओगे।
तो अभी आपको पता ही होगा कि बहुत सारे एफिलिएट के प्रोग्राम्स हैं, मतलब क्लिक बैंक हो गया, अमेजॉन एफिलिएट हो गया, फ्लिपकार्ट एफिलिएट हो गया, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अमेजॉन एफिलिएट पे ही जाए। तो अब आप बोलोगे कि हमें तो एफिलिएट प्रोग्राम पे अमेजॉन का रजिस्टर करने नहीं आता, यूट्यूब किस लिए? फिर यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको इजी वे में सिखा देगी कैसे एफिलिएट का रजिस्ट्रेशन करना है वगैरह। उस एफिलिएट से आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आप घर का भी कोई चीज़ मंगाना है तो आप एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हो और उससे ही मंगा सकते हो, जिससे आपके पैसे भी बच जाएंगे, मतलब दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो आपको जो है उसमें जाके, जैसे ही आपने एफिलिएट वगैरह अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपको अमेजोन पे जाके एक अच्छा सा हेल्थ प्रोडक्ट सर्च करना है जिसको आप प्रमोट करोगे और लोग से बाय भी करेंगे। एक चीज़ पे ध्यान रखना, प्रोडक्ट मतलब आप जब भी चूज़ करोगे तब उसके रिव्यूज चेक कर लेना, क्योंकि लोग अगर क्लिक हियर जो लिंक पे प्रेस करके जाएंगे तो वो भी रिव्यूज़ ही देखेंगे, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, उस पर ही वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना। उसके बाद, अब तो आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको एक एफिलिएट लिंक बनानी है उस प्रोडक्ट की, और आपको जाना है इस गूगल डॉक्स के ऊपर वापस से उसी पेज पे ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्लिक हियर जो लिखा था उसके आपको लिंक डालनी है उसके अंदर। कैसे डालनी है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, आपको सिंपली से उसको कॉपी करना है, उसके अंदर लिंक डालनी है। इससे क्या होगा, लोग जब भी उसको देखेंगे तो क्लिक हियर जो है वो ब्लू कलर में आएगा, जैसे ही लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपके एक एफिलिएट पेज पे पहुंच जाएंगे, मतलब उस प्रोडक्ट पे, और लोग उसे बाय कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये जो आपने बनाया हुआ है वो आपको लोगों तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना, जिसके हिसाब से आप लोग उस पर क्लिक कर सके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। तो आपको दिख रहा रहेगा कैसे डाउनलोड करना है, फाइल में जाके आप सिंपली से इसे डाउनलोड कर सकते हो, और ये जो डाउनलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट है आपको बाद में इसे जो है गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है। वो भी आप लोग देख सकते हो कि कैसे अपलोड करना है। सेम चीज़ और सेम प्रोसेस आपको फ़ोन में भी फॉलो करनी है। हो सकता है कि ये प्रोसेस आपको थोड़ी बड़ी लगे, पर ट्रस्ट मी, ये जो प्रोसेस है वो 100% प्रैक्टिकल है, और इसी सेम प्रोसेस का यूज़ करके बहुत सारे लोग पैसे कमा पा रहे हैं। और आपको सिंपली से ये डॉक्यूमेंट जो है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है, फिर आप आगे की प्रोसेस देख सकते हो। शेयर बटन पे ऊपर क्लिक जैसे आप करोगे वैसे आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, आपको एक नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस पे लिखा होगा एनीवन कैन विद दिस लिंक कैन व्यू द डॉक्यूमेंट, उसके आपको सेलेक्ट करके डन के ऊपर सिंपली से प्रेस कर देना है। अब जो आपने लिंक जो ये जो कॉपी की है आपने लिंक इस गूगल डॉक्स की, अब ये आप लोगों को शेयर करोगे तभी तो इस पेज में ट्रैफिक आएगा। अब आप शेयर कहाँ से करोगे? नहीं नहीं मैं आपको ये नहीं चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको कोई लिंक प्रमोट करनी है, आपको अपनी तरफ से कुछ पैसे लगाने हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। मैं अपने वीडियोस में ऐसा कुछ भी बोलता नहीं हूँ, सब कुछ 100% फ्री रहता है। आपको क्या करना है, ये लिंक एक ऐसे तरीके मतलब एक ऐसे तरीके से प्रमोट करनी है जो बिल्कुल ही फ्री है और जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। इसके लिए आपको जाना है कोरा पे। आप कोरा पे कैसे जा सकते हैं, मैं मतलब स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपको सिंपली से गूगल पे आके कोरा सर्च करना है और आप कोरा पे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। उसके बाद आपने जो उस क्वेश्चन मतलब लिखा था, जो आपको टॉपिक था, वो आपको वहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए भी आ जाएंगे और उसके आंसर्स भी आ जाएंगे। अब आपको एक छोटा सा एक लाइन का आंसर लिखना है और उसके नीचे जो है ये लिंक आपको पेस्ट करनी है। अब वो एक लाइन का आंसर भी कहाँ से लाएंगे, वो भी आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, जहाँ से जो आपने ये प्रोडक्ट जो है वो कॉपी किया था, कहाँ से कॉपी किया था आपने, अमेजोन से। आपको अमेजोन पे जाके वही सेम प्रोडक्ट पे जाना है और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, मतलब ये प्रोडक्ट कैसा अच्छा है वगैरह, वहाँ पे उसका जो है अप्रिशिएट किया रहेगा उस प्रोडक्ट को। तो आपको सिंपली से वो कॉपी कर लेना है, एक ही लाइन कॉपी करनी है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। एक ही अगर आप बुलेट पॉइंट कॉपी करते हो वो सिंपली से आपके कोरा पे आके आपको पेस्ट करना है। आपको नीचे एक लिंक पेस्ट करनी है और आप लिख सकते हो लिंक के मतलब पेस्ट किया आपने वो बुलेट पॉइंट, उसके आगे आपको लिखना है फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हियर, और उसके बाद आपको वो लिंक सिंपली से पेस्ट कर देनी है और आंसर को पब्लिश कर देना है। उसके बाद क्या होगा, जो भी मतलब लोग उस आंसर को मतलब क्वेश्चन को सर्च करेंगे गूगल पे, तो वह कोरा का वो आंसर आ जाएगा लोगों के लिए, फिर लोग उस क्वेश्चन पे ऊपर टिक करेंगे, आपका आंसर भी वहाँ पे दिखेगा। आपने जब एक ही बुलेट पॉइंट दिया है तो लोग सोचेंगे कि सिर्फ एक ही दिया है, तो इसने अगर लिंक दी है तो इस पे क्लिक करके हम और ज़्यादा डिटेल्स भी जान लेते हैं। इसलिए मैंने बोला सिर्फ एक ही एक लाइन का या फिर एक बुलेट पॉइंट ही आपको वहाँ पे लिखना है कि लोग आपके ऊपर लिंक पे भी प्रेस करें, क्योंकि अगर सारी जानकारी आप वहीं पे दे दोगे तो लोग आगे आपके लिंक के ऊपर प्रेस करेंगे ही क्यों। तो यही है ट्रिक, ज़्यादा लोगों को ऑडियंस को आपके लिंक के ऊपर लाने की, लिंक के ऊपर प्रेस करेंगे, सारा जो आपने चीज़ लिखा हुआ है अच्छी तरीके से
उसे रीड करेंगे और लास्ट में जाके उन्हें दिखेगा क्लिक हियर का ऑप्शन, तो वो सिंपली से उस पर प्रेस करेंगे और अमेजोन के ऊपर पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोला था 80-90% चांसेस है उसके बाद लोग आपका प्रोडक्ट 100% बाय करेंगे, क्योंकि क्या होता है अमेज़न सबसे पहले तो एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, अगर वो लोग वहाँ तक आ ही गए हैं तो उन्हें जो है प्रोडक्ट बाय करना है और उन्हें जो है वो सच में 100% वो भी दे रहा है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो वीडियो अगर ज़रा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे आपका फ़ायदा हुआ हो, तो वीडियो को ज़रूर से यार एक लाइक कर देना, हमारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरी वीडियो अगर आप आगे भी फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहोगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सारी चीज़ें फ्री है इस चैनल पे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।